स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ शिल्पा रावत। राजयोग का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और राजयोग के कार्यक्रम में तमाम ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे क्या कहते हैं नक्षत्र ग्रह और क्या कहती है कुंडली उन नेताओं की जो कि जनता के लिए तमाम काम करते हैं, और तमाम बड़े चेहरे जो हैं राजनीति के, जाने माने चेहरे जो हैं, उनकी यहां पर एक तरीके से भविष्यवाणी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे उनके राजयोग या फिर उनके ग्रह जो है वो क्या उन्हें जीत दिलाएंगे इस लोकसभा चुनाव में, या फिर किसकी हार होगी, कौन आगे बढ़ेगा। ये तमाम चीजें जो है आज हम राजयोग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देती हूँ, कौन कौन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ा हुआ है जिनसे हम राजयोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेतराज जी हैं, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं ज्योतिष आचार्य, बहुत स्वागत है आपका भी। तो राजयोग के इस कार्यक्रम में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर जीतू सिंह हैं ज्योतिष आचार्य, बहुत स्वागत मैम आपका। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर गिरीश पारिक साहब हैं, एस्ट्रो लाइफ कोच है, बहुत स्वागत सर आपका भी। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम खास मेहमान हैं, और ये हमें बताएंगे कि क्या कहती है आखिर भविष्यवाणी या फिर क्या कहता है उन नेताओं का भविष्य जिनको हम चुनकर लाएंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं उस बड़े चेहरे की जो हर जगह छाया हुआ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजयोग क्या कुछ कहता है, आगे उनके सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानने की सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, और बारी बारी हम यहाँ पर जो तमाम गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे हम ये जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी संत बेतराज जी, सर प्रधानमंत्री की अगर कुंडली की बात की जाए तो बेहतर तरीके से आप हमें बता पाएंगे कुंडली प्रधानमंत्री की क्या कुछ कहती है, क्या नक्षत्र उनके कहते हैं। हालांकि अभी एक आम जनता या फिर आम लोग अगर आकलन करें तो बुलंद सितारे उनके नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में चंद्रमा और मंगल, और चतुर्थ भाव में उनके बृहस्पति है। चंद्रमा से बृहस्पति जब चतुर्थ में होता है तो गजकेसरी योग बनता है। बृहस्पति जो है इस टाइम शनि की राशि कुंभ में है, और शनि जो है अपनी राशि में विचरण कर रहे हैं। शनि जो है आपके दंडाधिकारी हैं जी, आपके शनि जो है आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और राजनीति में तो आप जानते हैं कि इस समय जो समय चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कमिटमेंट किए थे और कमिटमेंट में जिस तरीके से वो 100% पूरे जो हैं उतर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सबसे प्रबल राजयोग जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, क्योंकि बृहस्पति जो राजयोग का कारक है, दूसरा चंद्रमा जो है उनका मंगल के साथ, और उनकी मंगल की ही महादशा चल रही है, और मंगल में उनका शनि का अंतर चल रहा है। तो शनि और बृहस्पति का जो योग है, शनि बृहस्पति के योग के कारण ये राजयोग, उधर चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी मंगल के साथ, मंगल की महादशा, और इधर गजकेसरी योग, तो ये योग जो है प्रबल राजयोग कारक है। इसकी भविष्यवाणी मैंने 4 अक्टूबर 2019 में मीडिया में कर दी थी कि आपका जो एनडीए है 400+, मतलब इस बार एनडीए जो है 400 पार जाएगी। इसकी भविष्यवाणी 4 अक्टूबर 2019 में 5 साल पहले ही कर दी गई थी, जिसके अब आसार जो है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अपने मुंह से बोल रहे हैं कि इस बार जो है 400 पार, तो वो चीज जो आप प्रत्यक्ष नजर आ रही है, और उसका प्रमाण आपको 4 जून को मिलेगा। और 4 जून के जो ग्रह हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा, वो ऐसे हैं कि बिल्कुल उस दिन मंगलवार है, इनकी मंगल की जो है महादशा चल रही है, त्रयोदशी है, त्रयोदशी का मालिक जो है शिव, शिव भक्त हैं ये, आपने देखा काशी विश्वनाथ और उसके बाद केदारनाथ, जहां जाकर उन्होंने साधना करके अपने कार्यक्रम को शुरू किया। तो त्रयोदशी, और उस दिन जो योग है वो योग भी बहुत शुभ है, उस योग के कारण 4 आपका जो जून को जो रिजल्ट आएंगे वो जो है, जो भविष्यवाणी देव योग से हुई है, देव योग से जो भविष्यवाणी 4 अक्टूबर को हुई है कि इस बार मोदी जी जो है आपके जो एनडीए जो है 400 पार होगा, जो 19 में भविष्यवाणी की थी, जिसका किसी को भी आभास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब जो है
मीडिया और तमाम आवाम जो है इस चीज को महसूस कर रही है कि इस बार जो है 400 पार होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर हाँ। जो है वो मैंने दिया था 415 प्लस माइनस 8, तो 415 प्लस 418 प्लस माइनस 5, तो एग्जैक्ट नंबर जो आप पहुंचेगा वो 422 के आसपास। बिल्कुल, यानी कि सर इस वक्त जो दर्शक हमें सुन रहे होंगे, खासकर जो बीजेपी समर्थित होंगे, वो काफी गदगद महसूस कर रहे होंगे जो भविष्यवाणी यहाँ पर इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ और मेहमान भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, डॉक्टर जीतू के पास भी चलते हैं। डॉक्टर जीतू, जो आसार बता रहे हैं यहाँ पर 400 प्लस, और लगातार सरकार भी कह रही है 400 प्लस तो इस बार जाना ही है बीजेपी का, आपकी भविष्यवाणी क्या कुछ कहती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम कहते हैं ना, पूत के पांव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं, और जो जिस तरीके की इस समय रुझान चल रहा है, जो इस समय एक कहते हैं ना पानी का बहाव जो है जिस तरफ जा रहा है, वो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी की तरफ जाता हुआ काफी नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर के हम कहते हैं कि रूलिंग प्लैनेट इनका मंगल बनता है, जो कि लग्न में ही बहुत अच्छी कंडीशन में है, और दूसरी बात है ये प्लैनेट जो है ये स्वयं लग्न का ही स्वामी है, और भी ज्यादा स्ट्रांग पोजिशन को दर्शाता है। दूसरी बात, गज केसरी योग इनकी सत्ता के भाव में, यानी सिंहासन भाव जो होता है वहां पे गज केसरी भाव का योग का बनना और जुपिटर का वहां पे विराजमान होना ये अपने आप में एक सत्ता को बूस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली बहुत सारी सीटें तो ये खैर हमारी इमेजिनेशन से ऊपर ही जाने वाली है, लेकिन यहाँ तक जो हम बात करें, ये मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल जो है इनका रूलिंग प्लैनेट के साथ साथ संवत के राजा भी बन रहे हैं, यानी 2024 में जो अभी हमारा संवत शुरू हुआ है, ये 2081 जो शुरू हुआ है ये 9 तारीख को शुरू होने जा रहा है, यानी चैत्र नवरात्रि के साथ ये शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो मेन मुख्य प्लैनेट जो राजा की गद्दी पर वो मंगल ही रहेगा, और मंगल इनको काफी फेवर करता हुआ नजर। और रही बात, हम सैटर्न को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सैटर्न पॉलिटिकल सेक्टर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला प्लेनेट होता है, और दशम भाव में बैठ करके सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट देख रहा है फोर्थ यानी गद्दी को अगेन, तो बहुत सारी चीजें देखिएगा सडनली काफी सारी अभी अगेन बूस्ट हो रहा है कि इंडी और एनडीए को पता नहीं कुछ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू करने लगे, लेकिन ये एकदम से 360 डिग्री घूमेगा फिर से, और 360 डिग्री जो घूम रहा है ये सारे के सारे प्लेनेट जो है फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी जी को, यानी मोदी जी का ही बोलबाला नजर आने वाला। बिल्कुल डॉक्टर जी, तो जैसा कि आप कह रही हैं ऑलरेडी बीजेपी काफी बूस्ट नजर आ रही है, लेकिन ये भविष्यवाणी जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है ये और बूस्टर जो है बीजेपी को देती हुई नजर आएगी। बहरहाल प्रधानमंत्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं जानने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गिरीश पाठक साहब के पास, पारिक साहब के पास चलते हैं, माफ कीजिएगा, एस्ट्रो लाइफ कोच है। गिरीश जी, अब हम बात अगर कर लें जिनकी कमान यूपी की हाथ जिनकी कमान है योगी आदित्यनाथ की, तो उनके बारे में आप कुछ क्या कुछ कहेंगे, उनके सितारे कितने बुलंद हैं और वो कितना आगे लेकर जाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर कि वो हमें सुन रहे हैं, और लोकतंत्र के इस महापर्व जिसको कि हम चुनाव बोलते हैं उसके अंदर आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करेंगे। देखिए, जब भी हम केंद्रीय राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वहां पे चुनाव किसके फेस वैल्यू पे लड़ा जा रहा है। मुख्य पार्टियां अगर देखी जाए इस वक्त तो बीजेपी है, उसके साथ में कांग्रेस है। अगर हम जन आधार की पार्टियों की बात करें, बाकी सारी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा है या वो समाजवादी पार्टी है या वो टीएमसी है। तो मुख्य रूप से अगर हम चुनाव के विश्लेषण को अगर करते हैं तो दो मुख्य नेताओं को देखेंगे, एक देखेंगे राहुल गांधी को और दूसरा देखेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये आप मान लीजिए कि ना रस्म बदलेगी और ना रिवाज, ना तख्त बदलेगा ना ताज, सब कुछ वही रहना है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि देखिए हमारा जो बेस है, हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज्योतिष के ऊपर है, और ज्योतिष जो बोलेगा, ज्योतिष का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा छठा शास्त्र है ज्योति ईश, मतलब जो भगवान की जो ज्योति है, चक्षु है ये ज्योतिष, ये एक साइंटिफिक पूरा ज्ञान है,
तो उसके बेसिस पे अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो एक नहीं ऐसे अनेक राजयोग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रूचक योग, पंच महापुरुष योग में से जो सर्वाधिक ताकत है, जो इन पांच प्लैनेट्स को मिली हुई है, जो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से एक रूचक योग है। ये बताता है और इसकी दशा, और अभी तो कम से कम अप्रैल 17-18 तक उसमें मंगल में गुरु भी चल रहे हैं, उसके बाद में मंगल में शनि आएंगे। अच्छा, जब इनकी जो ढैया है वो भी जब जो चुनाव का जो टाइम आ रहा है उसके और एक साल के बाद में खत्म होने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा सा सेटलिंग ढैया हो जाएगी। तो मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि जैसे हमारे आचार्य वर्ण ने हमें बताया है, और भी अभी जैसे हमारे जो गुणी ज्योतिषाचार्य हैं हमारे जो साथ में हैं, उन्होंने बताया है कि देखिए कुंडली का जो विश्लेषण है उसके अंदर अनेका अनेक राजयोग है, जैसे गजकेसरी योग है इनकी कुंडली के, नीच भंग राजयोग है, शशिभौम योग है, और भी नहीं जाने कितने योग हैं। तो महादशा सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए, वो इनकी बढ़िया है, अंतरदशा बढ़िया है, और अभी गुरु महाराज जो है उनका जो परिवर्तन हो रहा है वो भी इनके फेवर में जा रहा है सेवंथ हाउस के अंदर। तो कुल मिलाकर के अगर राजीव, अगर हम राहुल गांधी की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो वो कुंडली इनके मुकाबले के अंदर काफी कमजोर नजर आती है। तुला लगन की कुंडली के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं कि तुला लगन के अंदर जो गुरु महाराज है उनका रोल कोई बहुत बढ़िया नहीं होता है। बुध जो वाणी का कारक है वो भाग्यश है, वो अष्टम भाव में है, तो इसीलिए कई बार ये ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए आत्मघाती हो जाते हैं। उसके अलावा भी शुक्र इनका निश्चित रूप से एक प्रबल राजयोग कारक है, धन योग कारक है, चर्चा में ये रहते हैं लेकिन वो चर्चाएं ज्यादातर अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आपने पूछा, आपके सवाल का जवाब भी है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है सिंह लगन के अंदर सूर्य का इतना बली होना और साथ ही दसवें शुक्र की महादशा का होना प्रबल राजयोग कारक है, और निश्चित रूप से जितना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से, चूंकि राहु की जो स्थिति है शत्रुहंता रिपुहंता, कोई ऐसा माफिया नहीं है जिसको कि लाइन पे नहीं लाया गया है, तो ऐसा सुशासन देने वाले आदरणीय योगी जी और जिनके नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, वो निश्चित रूप से इनकी सरकार आने वाली है। जैसा कि सभी ने बताया कि जो सीटें हैं वो 400 के आसपास में रहने की है, और यूपी के अंदर भी मैं बोलूंगा कि आप मान के चलिए कि 70 से बेहतर सीटें इनको मिलने वाली है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और लोकतंत्र का जो ये पर्व है सब उत्साह से मनाए, यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल उत्साह से लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे, और दिक्कतें जो है वो कांग्रेस के कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर नजर आ रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी की कुंडली का भी जिक्र यहाँ पर हुआ। हम राकेश चतुर्वेदी जी से भी पूछ लेते हैं ज्योतिष आचार्य से। राकेश जी, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र हुआ, प्रधानमंत्री के बारे में तो हमने सुन लिया कि प्रधानमंत्री की बल्ले ही बल्ले, यानी कि बीजेपी जो है वो निश्चित तौर पर एक अच्छे डिजिट के साथ, जिस डिजिट को लेकर वो चल रही है उससे आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ कहती है? देखिए, जैसा कि अभी विद्वान जनों ने बताया और हमारे सहयोगी ने बताया कि गुरु लग्न का है और तुला का गुरु है, लेकिन तुला का गुरु उनको बचा भी रहा है। कैसे बचा रहा है? अब तक शायद उनको कारागार योग तक हो जाना चाहिए था, अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन लग्न का गुरु बचाता है। अब आते हैं दो तीन बिंदुओं पर उनकी कुंडली की, जो विशेष करके उनके लिए जरूरी है, स्वतः भी जानना हमें लगता है, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि एक अच्छे गुरु और मार्गदर्शक की उनको जरूरत है। उसका एक कारण है पंचम का राहु और मंगल और सूर्य जो बैठे हुए हैं स्थिति, पिता पक्ष या पैतृक संपत्ति और पैतृक राजयोग तो लेकर पैदा हुए हो, लेकिन राजनीतिक राजयोग उनकी कुंडली में नहीं है, सिंहासन योग नहीं है। राजकुमार तो वह पैदा हुए हैं लेकिन वह कभी भी राजा नहीं बन सकते हैं, यह मैं अनेकों नेक शो में कह चुका हूं और अपने इसी जी के मंच से मैंने बोला था। और दूसरा, मंगल की स्थिति जो है और बुध की, जैसा कि बुध की स्थिति बताया गया अष्टम भाव में है, इसलिए उनके अंदर कई बार ना चाहते हुए भी वाणी दोष आ जाता है, या जो बोलते हैं उसको अन्यत्र तरीके से रिप्रेजेंट
किया जाता है, यह उनकी कुंडली का भाव है और बुध के अष्टम भाव होने से उनके अंदर विशेष रूप से राजनीतिक गुण या राजनीतिक कला नहीं है और स्पष्ट बोल जाने हैं कई जगहों पर, और वही स्पष्टवादिता जो है राजनीति में कई बार घातक भी साबित होती है। बिना सोचे समझे, समय की चाल को समझे हुए अगर आप राजनीति में भाषण या बयान देते हैं तो वह आपके लिए, खुद स्वयं के लिए वह खतरनाक साबित होता है। तो राहुल गांधी की जो विशेष रूप से कुंडली है वह पीड़ित है, राजयोग उनकी कुंडली में नहीं है, खास करके सिंहासन का राजयोग। यहां राजयोग दो प्रकार का हमने बोल भी दिया है कि पहला तो जन्मजात तो राजयोग पैदा लेकर हुए हैं लेकिन सिंहासन योग नहीं है। जिस राजयोग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह राजयोग उनकी कुंडली में नहीं है। ठीक, यानी कि वो राजयोग नहीं है और जाहिर है कोशिशें लगातार की जा रही है और हमने देखा भी है किस तरीके की बयानबाजी जो है वो अमूमन आ जाती है, जिस तरीके की वर्डिक्ट सामने आते हैं उसको लेकर मीडिया में लगातार चर्चाएं बनी रहती है। हम एक बार फिर से रुख करते हैं श्री संत बेतराज जी का। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी राहुल गांधी को लेकर, जिस तरीके से अभी बताया यहाँ पर ज्योतिषाचार्य ने कि कारागार योग भी था, ये कारागार योग वाकई में क्या बन रहा है? और इस चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि राहुल गांधी को हम देखने लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं वो, तो ऐसे में कुछ उलटफेर होने की परिस्थिति है, कुछ डेवलपमेंट होगा या फिर वही स्थिति बनी रहने वाली है? देखिए, मैं राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसके मेन चीज जो है उनका नीच का शनि है और नीच का शनि जो है मुख स्थान में सूर्य और मंगल को तृतीय दृष्टि से देख रहा है। शनि जब मंगल और सूर्य को तृतीय दृष्टि से देखता है, ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि आप अगर गोचर को ले रहे हैं, गोचर से इन्होंने बताया कि राहुल गांधी की लगन में जो है बृहस्पति है, लेकिन इनकी कुंडली जो है वो वृक्ष लगन की है और बुध जो है वो बुद्धि स्थान का मालिक है। वो चाहते तो बहुत बढ़िया है बोलना, उनको दिया भी बहुत बढ़िया जाता बोलने के लिए, लेकिन एट 12th आवर उनकी जवान फिसलती है नीच के शनि के कारण, और नीच के शनि के कारण जब वो जवान फिसलती है तो कुछ और बोल देते हैं। इस टाइम जो है शनि का गोचर जो है उनके दशम भाव में, दशम भाव जो है राज सत्ता सुख भोग का है और शनि इनका नीच का है। नीच का शनि होने के कारण और दशम भाव में होने के कारण शनि इनको कभी भी सत्ता सुख फिलहाल 2024 में उसके नजदीक नहीं आने देगा। दूसरा प्रश्न आपने बोला कि क्या इनको जो है आपका जेल का योग है, डेफिनेटली 29 मार्च 2025 से पहले ये जो शनि है इसके कारण रीजन है इनकी संकटा योगनी चल रही है और संकटा में भ्रामरी का अंतर है। जब भ्रामरी संकटा में होती है तो ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन योर डिसीजन विल बी टोटली रॉन्ग। आप कहना कुछ चाहते हैं और रिजल्ट कुछ आते हैं, तो ये कहना तो बहुत कुछ अच्छा चाहेंगे लेकिन मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा जिसका भुगतान इनको भुगतना होगा। इनके लिए, राहुल गांधी जी के लिए एक हिदायत है एस्ट्रोलॉजिकली कि इनको कम से कम बोलना, अगर ये ज्यादा बोलेंगे तो ये शनि इनको उल्टा कर देगा। उल्टा का मतलब जो है, क्योंकि देखिए मोदी जी के आपके दशम भाव में ये शनि जो है राजयोग देने के लिए आया, और मोदी जी जो है शनि जो है आपका कुंभ का है, उसके आगे चल रहा है आपका राहु, राहु है दंडाधिकारी और शनि जो है न्याय का करता है और केतु शनि के साथ खड़ाशक बना रहा है। तो अभी की पोजीशन ये है, अभी की करंट की, जो आपका लीगल, जो आपका लीगल वो जो एडवाइजर हैं वो इनको बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन द मोमेंट बृहस्पति वृक्ष में आ जाएगा और ये शनि जो है आपका मीन में आएगा तो ए टू जेड जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने गबन कर रखे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, दे ऑल विल बी बिहाइंड द बार, नोबडी कैन सेव देम। नेक्स्ट जो मतलब 24 से लेके 29 का जो कार्यकाल है इसमें जो है कल्प्रिट्स जो भी होंगे दे विल गॉट पनिशमेंट ड्यू टू सैटर्न। और शनि जो है मोदी जी का बहुत बलवान है,
तो सारी बात आएगी मोदी जी के लिए कि उन्होंने किया है, लेकिन इसका मेन मुख्य कारक होगा दंडाधिकारी राहु। बिल्कुल, यानी कि ग्रहों का और शनि न्याय का। बिल्कुल, इल्जाम चाहे जिस मर्जी पर लग जाए लेकिन ग्रहों का खेल है और उससे कोई डिनाय नहीं कर सकता। जैसा कि आपने कहा सर कि कम बोले हिदायत है उनके लिए, लेकिन राजनीति में कम बोलना बनता नहीं है क्योंकि राजनीति में आपका काम ही बोलने का है मैम। क्योंकि जैसा कि बता रहे थे हमें यहाँ पर सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री के सितारे तो बुलंद है, लगातार हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो ये आकलन जो है वो खुद ब खुद लग जाता है क्योंकि राहुल गांधी का ग्राफ जो है गिरता जा रहा है, भले ही वो लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हिदायतें आप लोगों की तरफ से क्या होंगी उनके लिए जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि एक हिदायत सर ने भी दी, हालांकि वो शायद पॉसिबल नहीं है राजनीति में इतनी। जी जी, वो सुनेंगे भी नहीं और इम्प्लीमेंट भी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्योंकि जब ऐसे प्लेनेट होते हैं, जब ऐसी सिचुएशंस होती है तो सुनने को तैयार ही नहीं होता कोई किसी की बात को, चाहे उनके सामने कितने ही विद्वान क्यों ना बिठा दिया जाए। सबसे बड़ी जो इनकी प्रॉब्लम है वो लग्न का स्वामी पाप कर्तरी में है और दशम भाव में बैठ करके पाप कर्तरी में, एक तरफ केतु दूसरी तरफ मंगल, ये दोनों ही प्लेनेट इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति लॉस्ट होते हैं, जैसे अभी बिठा दिया जाएगा उनके हाथ में कोई चीज पकड़ा दिया जाएगा वो उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे, वो भूल जाएंगे कि यहाँ इस समय माहौल कैसा चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस ऐसे लोगों के साथ अक्सर बनती है। दूसरा, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ हाउस हमारी प्लानिंग है, तो प्लानिंग में जब इनका कॉम्बिनेशन जो है वो शनि के साथ बन रहा है, शनि इनका नीच का है, डेबिलिटेड है, तो नीच का शनि इनको सपोर्ट प्लानिंग में नहीं कर रहा, मतलब बनाने में तो बहुत सारी बनाते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करके उसको पुश करना वो भी नहीं कर पाते हैं, तो इनकी प्लानिंग बहुत वीक हो जाती है। अब हम वाणी के ऊपर चल जाते हैं क्योंकि वाणी का बहुत बड़ा दोष होता है, डेफिनेटली नेतागण जो है बोले बगैर नहीं रह सकते, लेकिन नाप तोल करके बोलना और कितना बोलना कितना समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी गुणी नेता के लिए। हम यहाँ पे तारीफ दूसरे नेताओं की नहीं कर रहे हैं कि उनको लगेगा कि पक्ष बदल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब राहुल जी की कुंडली की वाणी की बात कर रहे हैं, तो वाणी का लॉर्ड इनका मंगल है, मार्स है, लेकिन ये है राहु के नक्षत्र में। अब ये राहु के नक्षत्र में और शनि से दृष्ट हो रहे हैं, तो अब ये सोचिए कि ऐसे व्यक्ति कुछ भी बोलेंगे, अंट शंट बोलेंगे, इतनी अच्छी, बहुत बढ़िया आचार्य जी ने बताया कि इतनी अच्छी प्लानिंग करके पूरा नोट करके लेके जाते हैं कि हमने ये बोलना और वहां जाकर के पता नहीं सब का सब उल्टा हो जाता है, तो इनकी वाणी इनको सपोर्ट नहीं करती। हाँ, डेफिनेटली इनको कम ही बोलना चाहिए, या फिर ये कहेंगे कि बहुत ही कम बोले तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, तो शायद कुछ सीटें ये जीत भी सकते। ठीक, यानी कि सितारे जो हैं वो बीजेपी के बुलंद नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पूछा ज्योतिष आचार्य से लगातार, और बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी की हमने बात की तो उन्हीं से रिलेट करते हैं, तो बीजेपी के सितारे भी कह सकते हैं बुलंद है यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ। और राजयोग में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो तमाम बड़े चेहरे जिनको आप और हम वोट करते हैं, एक राजनेता के तौर पर देखते हैं, वो राजनीति में क्या कमाल करके दिखा पाएंगे की कुंडलियों के हिसाब से, उनके नक्षत्रों के हिसाब से। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ राजयोग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।